दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी पिता के कई बेटे होने के बाद भी उसने अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी को दी हो? शायद बहुत ही कम। जी हाँ दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के उस किरदार की बात करेंगे जिसके पिता ने अपनी सारी संपत्ति और राजगद्दी का वारिस अपनी बेटी को बनाया, ना कि अपने बेटों को। दोस्तों, ये बात आज से लगभग 800 वर्ष पुरानी है, जब दिल्ली पर गुलाम वंश का शासन था। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के कई बेटे थे, लेकिन वह उनमें से किसी को भी गद्दी के लायक नहीं समझता था और इसी बात से मन ही मन चिंतित रहता था। अपने पुत्रों से ज़्यादा योग्य तो उसे अपनी पुत्री रज़िया लगी और उसने रज़िया को शासन की बागडोर सौंपने का फैसला कर लिया। वैसे तो प्राचीन मिश्र और ईरान में स्त्रियाँ रानियों के रूप में शासन संभाल चुकी थी, पर भारत में ऐसा पहली बार ही होने जा रहा था। सुल्तान इल्तुतमिश की मौत के बाद अमीरों ने सुल्तान के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन रज़िया एक करिश्माई व्यक्तित्व की धनी थी। उसने दिल्ली की प्रजा का बहुमत प्राप्त कर लिया और नए सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज के खिलाफ विद्रोह का माहौल पैदा करवा दिया और दिल्ली में सुल्तान के पद पर आसीन हुई। सत्ता ग्रहण के बाद रज़िया ने स्त्री वेश त्याग कर मुंह पर बुरका डाले बिना ही दरबार लगाना आरंभ कर दिया। यह उस समय बहुत बड़ी बात थी और उस समय की मुस्लिम महिलाएं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वह शिकार भी करने जाती थी और युद्ध में सेना का नेतृत्व भी करती थी। उसने कभी खुद को पुरुषों से कम नहीं समझा। अपने शासनकाल में रज़िया ने पूरे राज्य में कानून की व्यवस्था को उचित करवाया, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इमारतों के निर्माण करवाए, सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए। उसने अपने राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देने कई विद्यालयों और पुस्तकालयों का निर्माण करवाया। रज़िया ने तुर्की अमीरों के दल, जिसे चालीसा कहा जाता था, उसे दबाने का प्रयास किया और अपने वफादार अमीरों का दल खड़ा किया। एक गैर तुर्क याकूत खान को शाह यस्तबल की देखरेख का जिम्मा सौंपा। ऐसा कहा जाता है कि याकूत से रज़िया के नज़दीकी संबंध भी थे। इन सब फैसलों से उसके दरबार के सरदार अप्रसन्न थे। वे स्त्री के समक्ष नतमस्तक होना अपने अहंकार के विरुद्ध समझते थे। फिर क्या हुआ? रज़िया के खिलाफ विद्रोह उठ खड़े हुए, इसलिए नहीं कि वो काबिल नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वो एक महिला थी। सरहिंद और लाहौर का विद्रोह तो उसने खुद जाके दबा दिया, परंतु फिर भटिंडा के शासक अल्तुनिया ने रज़िया के खिलाफ विद्रोह कर दिया। रज़िया याकूत के साथ विद्रोह दबाने तो गई, लेकिन इसमें याकूत मारा गया और अल्तुनिया ने रज़िया को कैद कर लिया। और दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो सोच के आप हैरान रह जाएंगे। रज़िया ने अल्तुनिया को ही अपने प्रेम पाश में फंसा लिया और उससे विवाह करके दिल्ली के तख्त पर कब्जा करने वापस निकल पड़ी। पर अफसोस, इस बार रज़िया सफल न हो सकी और हरियाणा में कैथल के पास डाकुओं ने उसकी हत्या कर दी और एक उभरती हुई शासिका का दुखद अंत हो गया। इस प्रकार रज़िया ने कुल 3 साल और 6 महीने ही शासन किया था। उस समय के एक प्रसिद्ध इतिहासकार मिन्हास सिराज ने रज़िया की बहुत प्रशंसा की है और कहा है कि उसमें सुल्तान होने के सारे गुण मौजूद थे। उसने लिखा कि वो राज्य की हितैषी थी, न्याय करने वाली थी, प्रजा का ध्यान रखने वाली और एक महान योद्धा थी। मिन्हास आगे कहता है कि इन सब खूबियों के बाद भी उसमें एक कमी थी और वह थी उसका स्त्री होना। दिल्ली सल्तनत के दौर में जब बेगमों को सिर्फ महलों के अंदर आराम के लिए रखा जाता था, तब रज़िया सुल्तान महलों से बाहर निकलकर शासन की कुशल बागडोर संभालती थी। यह अपने आप में आश्चर्यकारी है और इसी के लिए रज़िया का इतिहास स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है। तो दोस्तों, ये थी देश की पहली और आखिरी मुस्लिम शासिका रज़िया सुल्तान की कहानी। आइए हम देखते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं कि स्त्रियां पुरुषों से योग्यता में कभी कम नहीं होती, तो हमें भी स्त्रियों को बराबरी से सम्मान देना चाहिए। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। यदि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल ब्रेनी लीफ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।